आज भी और हमको हमारे आईपीएस होने के 11 साल के बाद मेरे पिताजी मरे, तो मुझे याद है 11 साल के बाद मरे, मुझे नहीं स्मरण है कि मैं कभी उनके सामने बराबर खटिया पर बैठा हूँ। मेरे भाई आज भी नहीं बैठे, लेकिन ये सब अपवाद की बातें। आज मेरा ही बेटा कहता है, पापा तुम मूर्ख हो, तुमको यूके की कंपनी नौकरी छोड़ने के बाद जो 50 लाख का पैकेज दे रही है, 4 महीने इंग्लैंड में रहने की व्यवस्था कर रही है, दिल्ली में फ्लैट दे रही है 5 स्टार, मर्सिडीज गाड़ी चढ़ने के लिए दे रही है, ती धोती लपेट करके हाथ में माला ले करके क्या कर सोच रहा है। हम अपने पुत्रों के लिए मूर्ख हैं, मतलब कोई सम्मान में कमी नहीं है, समझदारी में कितनी कमी। मैं आपको प्रवचन कथा या उपदेश नहीं सुना रहा हूं, मैं आपको भोगा हुआ सहित जीवन का अनुभव और प्रामाणिक रूप से ये सब बातें शास्त्रों में लिखी हुई हैं। कौन आदमी है आज मजदूरी करने वाला गरीब गांव में रहने वाला व्यक्ति हो, या कोई अरबपति खरबपति उद्योगपति हो, कोई चपरासी हो, या कोई चीफ मिनिस्टर हो, प्रधानमंत्री हो, दुनिया में कौन है जो ये कह सके कि हमको किसी तरह का कोई तनाव नहीं, कोई टेंशन नहीं है, केवल आनंद ही आनंद है। कोई एक आदमी खोज करेगा, कोई भी नहीं मिलेगा जिसके पास जितना बड़ा पद है उतना अधिक तनाव में है, जिसके पास जितना अधिक पैसा है उतना अधिक तनाव में है, जिसके पास जितना पावर है वो अधिक तनाव में है, और जिसके पास ऐश्वर्य कम है, पद छोटा है, पावर नहीं है, वो ज्यादा सुखी है। इसका मतलब ये नहीं कि ऐश्वर्य में बुराई है, इसका मतलब नहीं कि पावर में बुराई है या पद लेने में बुराई है, या ये सब इसके लिए यत्न तो नहीं करना चाहिए। चीजों को समझना होगा, शास्त्र इसकी दृष्टि देते, हर आदमी तनाव में, कोई घर में देख लीजिए, एक अपने अनुभव से बताता हूं, एक मां एक पिता से 4 पुत्र हुए, पैदा हुए, एक आनंद में खेला खाया, एक ही आनंद में जवान हुए, विवाह हुआ, 4 बीवियां आई, 4 महीना होते होते घर में महाभारत शुरू, 2 साल नहीं बीत पाता है, चारों भाई चार जगह, चारों भूमि चार जगह, चार चूल्हा जल में, संयुक्त परिवार और बच्चा कहां, एक एक परिवार में 3-3 पीढ़ियां रहती थी, भाई भाई का प्रेम खत्म हो गया, गोतनी गोतनी का प्रेम खत्म हो गया, अपने घर से लेकर देखो किसी बहू और सास में प्रेम नहीं है, अपवाद की बात नहीं कर, हर बहू को अपने सास से टेंशन है, हर ननद को अपने भाई